डीएमसीएच बॉयज हॉस्टल के मेस में चल रहा था शराब का कारोबार, हुआ भंडाफोड़। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उससे लोगों के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, बता दें चले कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर के बॉयज हॉस्टल से पुलिस ने भारी संख्या में शराब की बरामदगी की है। शनिवार की देर रात पुलिस को डीएमसीएच परिसर में शराब की खेप होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने बॉयज हॉस्टल 2 के बैच के मेस तथा पिकअप वैन से भारी मात्रा में खेप बरामद किया है। बता दें कि पिकअप वैन के ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है। ड्राइवर भालपट्टी का रहने वाला है और वह शराब मामले में संलिप्तता को लेकर फरार चल रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तथा शराब बरामदगी को लेकर कार्रवाई की जा रही है। वही इतनी भारी मात्रा में शराब की खेप मिलने से उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डीएमसीएच परिसर से शराब मिलना कई सवाल खड़े करता है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। पुलिस को हॉस्टल के लड़कों से पूछताछ करनी होगी जिससे इस मामले में संलिप्त व्यक्ति को पकड़ा जा सके। बॉयज हॉस्टल के पास में एक कैंटीन में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इस पर छापामारी की गई तो यहाँ से 99 कार्टून शराब बरामद हुई है। पिकअप में एक ड्राइवर शराब लेके आया था, वो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। एक व्यक्ति जिसने शराब यहाँ मंगाई थी, पहुँचवाई थी, वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मेस संचालन करने वाले 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहाँ से लाए थे और इसका उपयोग कहाँ होना था। अभी तक जो सूचना हम लोगों को मिली है उससे यही लगता है प्रथम दृष्टया कि ये शराब का इस्तेमाल डीएमसीएच कैंपस में ही लोगों के द्वारा किया जाता था, यहीं पर ही सप्लाई की जा रही थी। इसमें थाना के जो स्टाफ हैं उनकी भी हम लोग भूमिका की जांच कर रहे हैं कि उनके स्तर से लापरवाही हुई है या फिर कोई मिलीभगत का भी कोई अगर प्रमाण मिलेगा उसके आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना लीटर शराब टोटल? अभी गिनती की जाएगी, 99 कार्टून है, अभी गिनती की जा रही है। दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसमें केस दर्ज करके इनको जेल तो भेजा ही जाएगा। जो शराब के काम में लगे हुए मेस संचालनकर्ता और जो एक यहाँ माफिया जिसने शराब मंगा के दी है, इनकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। अगर पहले का भी केस होगा उसमें जमानत भी रद्द कराई जाएगी और शराब के व्यवसाय से जो भी संपत्ति अर्जित की है इसकी जब्ती का प्रस्ताव तैयार करके आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा। क्या शिक्षण संस्थानों में, मेडिकल में, यूनिवर्सिटीज में शराब का पकड़ना ये क्या मतलब क्या दर्शाता क्या है सर? ये दर्शाता है कि लाख जागरूकता प्रोग्राम के बाद भी, कड़ी कार्रवाई और चेतावनी के बाद भी, जो कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे और समझदार हैं उसके बाद भी वो बात को नहीं समझ रहे हैं और उसके बाद भी शराब के इस कंजम्पशन में वो लोग लगे हुए हैं। जो माफिया है वो तो अपने लालच के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं वो अपनी समझदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं ऐसी जगहों पर शराब पकड़ाने के मामले में। सर, छात्रों का इन्वॉल्वेशन इसमें अभी तक देखा गया है? अभी जांच की जा रही है किन लोगों के मध्य इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, कौन लोग इसके उपयोग करता थे, ये सारी जानकारियां सामने आई। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी टाइम्स न्यूज़पेपर दरभंगा।